अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और काफ़ी अरसे से मैं कुछ वीडियोस बना नहीं सका क्योंकि मसरूफियात, यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट ख़त्म हो चुका है, ऑफिस स्टार्ट, तो ड्यूटी के साथ यू नो मुश्किल तो होती है। खैर, आज हमने सोचा कि भाई क्या करें, आज जैसे कि हमारा वीकेंड है, तो हमने आज ट्राई किया है वो डिश जो कि बहुत फरमाइश कर रहे हैं लोग मुझसे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मैंने जिसको खिलाई है उन्होंने बहुत तारीफ़ करी है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, पर मैंने जिन जिन को बना के वो खिलाई उन्होंने बहुत तारीफ़ करी, तो सोचा कि आज वो ट्राई करते हैं, आप सब लोगों से शेयर करते हैं। वैसे तो कोई नई डिश नहीं है वो, मतलब आम सी है, पर उसमें कुछ मेरी इन्वेंशन है, कुछ छोटी मोटी सी मेरी उसमें मैंने कुछ चीज़ें अपनी ऐड की हैं, तो लोगों को अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, लोगों से शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा था अपना फ्रूट ट्रैफल, जिसको फ्रूट ट्रैफल ही कहते होंगे, मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका। उसके लिए हम लोग ले रहे हैं दही, ये इसकी मेन इन्ग्रीडियंट है। दही ये नहीं होगा तो शायद ना बने। वैसे मैंने इसको पाकिस्तान में ट्राई किया था पर पाकिस्तान के दही से ये नहीं बन सकी थी, तो अगर आप को बनाना चाहें तो आपको ये सुपर मार्केट में जो दही मिलेगी ना उससे आप इसको बना सकते हैं। सुपर मार्केट में दही से आप इसको आराम से बना सकते हैं क्योंकि वो दही होती है गाढ़ी, या अगर आपको गाढ़ी दही कहीं से मिलती है तो आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें दही लिया है। अच्छा, दही के मैं आपको बता दूँ कि ना इसमें आपको पानी नहीं यूज़ करना दही का, कोशिश करें दही के अंदर ना पानी ज़रा भी ना जाए, क्योंकि जितना पानी इसके अंदर हो जाएगा ना, हर चीज़ जो आपको लेनी है वो पानी के बगैर लेनी है। अब दही के बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें डालना तो बहुत कुछ है, जैसे क्रीम है, कोमल है, फ्रेश क्रीम है, पर अब मिक्स करते वक्त एक इसका ख़ास ख्याल रखना है कि जैसे जैसे हम एक चीज़ ऐड करते जाएंगे उसको मैश करते जाएंगे, बीट करते जाएंगे। तो मैंने दही डाला है, पहले मैं दही को पूरी तरह से फेंट लूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है इस वक्त। देखिए दही हमारा फेंट चुका है, अब इसमें हम डालेंगे हमारी क्रीम, थिक क्रीम, आप देख लें यह है अलमलाई की थिक क्रीम, ये हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी चला गया, वो मैं निकाल लेता हूँ अभी, ये पानी इसमें नहीं जाने देना। ठीक है, इसको वापस से फेंटेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। थिक क्रीम हमने बीट कर ली है। ठीक है, इसको आप बीटर से करेंगे ज़्यादा अच्छे से होगी, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा बेटा सो रहा है। उसके बाद आप डालेंगे इसमें कोमल, अब मीठे में आप अपनी मर्ज़ी से मीठा डालें, जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना आप डालें। मैं डालूँगा अपनी मर्ज़ी से क्योंकि मुझे मीठा तो ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से डालूँगा। ठीक है, वैसे जो उसमें हम फ्रूट डालेंगे तो वो भी अपना मीठा छोड़ेंगे, तो आप उसके हिसाब से कर लेना। मैं कोई अंदाज़ा कभी रखता नहीं हूँ किसी भी खाने में, तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही करता हूँ। फ्रेश क्रीम अब डालने की बारी आई है, तो फ्रेश क्रीम आपको दिखा दूँ, ये हमारी फ्रेश क्रीम है मलाई की। ये वैसे तो आप लोगों की मलाई होती है कराची में, अगर आप लोग सऊदीया में हैं तो आपकी फ्रेश क्रीम जो मिलती है कराची में, आप इसकी अब जो दूध की मलाई बनती है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हम पूरी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वापस इसको आपको एक लास्ट बार बीट करना है। ठीक है, हाथ से करना थोड़ा मुश्किल है, वैसे कहते हैं चार बार बीट कर लें, बेहतर है कि आप इसको बीटर से करें, वो थोड़ा अच्छे से बीट करेगा तो उसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा मिलेगा, आपको टेक्सचर ही इसका अच्छा चाहिए। ये हमारे तीनों चारों पार्ट हमारे जो थे, दही, फ्रेश क्रीम, थिक क्रीम और कोमल, मैश हो गए अच्छे से, आप उसका टेक्स्चर देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड सा हो गया। अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, कोई साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है इसमें। मैं सिंपल हमारे जो फ्रूट्स थे वो आपको दिखा दूँ, मैंने काटे हैं इसमें पाइन एप्पल और अनार, अंगूर, केले, सेब, मैं ये ले रहा हूँ। आपका जो दिल करे आप बोलें, जो आपका फ्रूट अच्छा लगता है, बस कोशिश करना पानी ना हो, पानी सारा निकल जाए आपका। ठीक, तो हम इसमें अपने फ्रूट डाल देते हैं, ये हमने पाइन एप्पल जो काटे वो डाल दिए। ठीक है, इसके बाद हमारे अनार और अंगूर, ठीक है खट्टे ना हो वरना फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, खट्टे आप चेक कर लेना।
उसके बाद हमारे केले और सेब, ठीक है। ये डालने के बाद इसको आप एक बार का मिक्स कर लें। बेसिकली तो ये लोगों को लगे ये फ्रूट चाट है, पर ये फ्रूट चाट नहीं है, ये फ्रूट चाट टाइप नहीं है। इसके अंदर अभी आपको बताता हूँ, आप इसके अंदर और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, आम हो गया, चीकू हो गया, आपका जो आपको दिल करे आप उसमें वो ऐड करें, कौन से मर्जी से, ये अपनी मर्जी की डिश है, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रूट आप डाल दें तो उसके बाद एक दो तीन चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हैं, जैसे कि किशमिश, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो अभी वो हम नहीं डाल रहे, और है आपके चॉकलेट चिप्स। ये कोशिश करें डार्क हो, कड़वे हो, तो मज़ा आएगा, सारा मज़ा ही इसी से, ठीक है। मैं आपको ये डाल के दिखा देता हूँ, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल दें जितना आपको अच्छी लगे, और उसके बाद एक बार उसको वापस से मिक्स कर लें। बस तकरीबन आपकी रेडी हो गई है, इसको ठंडा करें और सर्व करें। तो देखिए हमारा ये फ्रूट ट्रैफल कम्प्लीट हो गया, और अब आप लोग तो खा सकते नहीं इसको, सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन वापस स्टार्ट हो गया। अभी न्यूज़ आई है कि ये कल सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक हफ्ते से वापस से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, सिर्फ ये टाइम रिलीज रहेगा, तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ अकेले। तरीका बता चुका हूँ आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग ट्राई करें और बस इंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले।